जिंदगी दे अंदर सब नों वड्डी जित है मन दा जितया जाना। मन नूं जितना सारे मसलियां दा हल है। पर मन जितिए किवें, मन दे उत्ते काबू किवें पवे। हरेक धर्म दे अंदर मन नूं वस करन दे जतन दसे हन, उपराले दसे हन। ते हरेक प्राणी मात्र जिहड़ा धर्म दी खातर चलदा है उन्हां सारिआं दा इह सवाल है, मन टिके किवें, मन दे उत्ते फतेह किवें होवे, मन काबू विच किवें आवे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी नूं बड़े प्यार शरदा दे नाल पढ़ना, विचार के पढ़ना, तुहाडे सारिआं सवालां दे जवाब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच मौजूद ने। पर साडा सुभाअ है शॉर्टकट। अहीं चाहुंदे हाँ भी जिन्ने काम हन शॉर्टकट हो जाण, कोई सानू दस देवे भी इदां करो तो मन टिक जाएगा। मन किवें टिके? भगत कबीर साहब ने आख्या है कि ममा मन स्यो काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यो कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। भगत कबीर साहब ने आख्या है कि मन नूं टिकाउणा है तां मन दे नाल ही कम करना पवेगा, मन नूं नाल लैके चलना पवेगा। जे मन नूं इक पासे कर दोगे तो कोई होर उपाय करो तो सफलता नहीं मिलनी। क्योंकि दुनिया के अंदर दो तरह के लोगों ने विचार दसी है मन टिकाउण दी। एक लोग वो सन जेडे कहिंदे मन जो आंदा है दे उल्ट चलना है, मन जेडे फलां दी इच्छा रखता है वह सारे ही त्याग देने ने, परिवार भी त्याग देना है तो जंगलों नूं चले जाना है, मन च आए हुए फुरने खत्म हो जाएंगे। दूजे लोग वह सन तो हुण भी मौजूद ने जिहड़े आंदे खाओ पियो ऐश करो, जो मर्जी खवा पिया दिओ, मन नूं रझा दिओ भोगां दे नाल, रसां कसां दे नाल। मन रज के आखेगा भी मैं हुण रज गया, हुण मेरी तृप्ति हो गई है। पर गुरबाणी ने आख्या है ये तो माया दी तृष्णा ते वकारां ते भोगां दी तृष्णा है, अग दे वांग है। बलदी हुई अग दे उत्ते लकड़ां पा के कोई आखे कि अग नूं बुझा देना है, अग रज जावेगी, ये हासोहीणी गल है। एक तीसरा सिद्धांत धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने बख्शिया है। भगत कबीर साहब ने आख्या कि मन दे नाल ही कम करना पवेगा। गुरु साहब की बाणी पढ़द्या दर्शन किए हैं, एक पंक्ति सामने आई उत्थे मन रुक गया। वह पंक्ति सी धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी की। महाराज ने आख्या मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल साथ, मन ही मंझ समाए। महाराज कहन लगे मन नूं वस करना है, मन नूं सज्जन बनाउणा है, तां पहलां मन दे नाल झगड़े हुंदे ने, पहलां झगड़ा हुंदा है मन दे नाल। मन किते गुरु साहब ने आख्या है ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, किते आख्या है सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है एह। मित्र बाद विच बनता है, पहला झगड़े ही चलते ने, ते तुहाडे सारयां दे चलदे आ कि नहीं? सवेरे उठण तो लैके रात सौण तक झगड़ा ही तो है। कहिंदे कुछ होर हाँ तो हुंदा कुछ होर है मन दे करके। इत्थे नुकता समझ लेना साध संगत, जिन्हें भी मन टकाया है, मन नाल लुझिया है, मन दे नाल झगड़ा किया है, पहली स्टेज ही इहो है कि जिथे मन ने मनना नहीं, मन दे नाल झगड़ा हुंदा है, भाव के विरोधी भाव है। ये कुछ कहिंदा है तो गुरमुख कुछ करता है, ये उल्ट करता सारा कुछ। महाराज ने आख्या सूरमा भी हुई है, गुरमुख भी हुई है, जिहड़ा मन दे नाल लुझे झगड़ा करे, मन दे नाल गुस्सा करे गला करे, इहनूं समझावे। पर साडे झगड़े हन आम लोगों के नाल, साडा झगड़ा है एक दूजे के नाम व्यासियां दे नाल। साडा झगड़ा चाहिदा है साडा खुद मन दे नाल,
जिदन अंतरमुखी हो गए दुनिया जित लवेंगे, क्योंकि महाराज की बाणी में लिखा है मन जीता जग जीत। पर जिदे नाल झगड़ना है उहदे वल ध्यान नहीं, जिदे नाल प्रेम करना है खलक दे नाल उह दुनिया नाल नफरत करदे हां। महाराज ने आख्या जो जन लूझ मनै स्यो से सूरे प्रधाना। वो असली प्रधान ते सूरमे हन जिहड़े मन दे नाल लूझदे ने झगड़दे ने। पहला झगड़ा ही है, झगड़ा किवें करना है? मन ने कोई फुरना पैदा किया है। हुण मन का सुभाव है कि मन ने मंगा मंगणियां हन, मन ने फुरने पैदा करने हन, इच्छावें पैदा करनियां हन कि मैनूं फलानी चीज़ चाहीदी है, फलानी चीज़ की इच्छा है। मन जिहड़ी चीज़ तो प्रभावित हो जाता है फिर इंसान सारा दिन की, सारा हफ्ता की, महीना की, साल, सारी जिंदगी ही उन्हां फुरनियां ते इच्छावां नूं पूरियां करन विच बतीत कर दिंदा है ते सारे यतन करदा है, कोई नफा नुकसान नहीं देखदा भी किहदे विच नफा है किहदे विच नुकसान है। बस जो फुरना उठाया है वह पूरा करना है। बस इत्थे ही झगड़ा है मन दे नाल करन वाला। जिन्हों ये समझ आ गई है उन्हें सारे ज्ञान पढ़ते ने, उन्हें सारे वेद पढ़ते ने, उन्हें सारा ज्ञान ले लिया है। कहण दा भाव के मन विच फुरना आना ते फुरनिया की मननी ना, मन दियां मंगा उठनियां ते इनू एदां इग्नोर कर देना, एक पासे कर देना जिवें सुनिया ते ना सुनिया कर देना, यह मन नाल झगड़ा है। फिर अगली पंक्ति च नाल ही मारन लिखिया मन ही स्यों साथ। फिर मन दे नाल ही सलाह मशवरा है, मन दे नाल ही मित्रता है। मन नूं प्यार दे नाल समझाउणा, मन नूं अपने नूं दसणा कि इहदे विच नफा की है ते नुकसान की है। ज़्यादातर साडे लोकां दी समस्या पता की है? धर्मी लोकां दी 99% धर्मी लोगों की समस्या ये है कि असी खुद अपने आप नाल बैठते नहीं, असी खुद कदे मन नाल झगड़ा किया ही नहीं, मन दियां विचारां देखिया ही नहीं भी मन दौड़दा किहड़े पासे है। इहदी वड्डी मंग की है? जिहड़ी मेरे शरीर ते मेरी आत्मा नूं झंझोड़ी रखदी है, मेरा दिमागी संतुलन विगाड़िया पिया है जिस मंग ने, वो मंग कोई भी हो सकती है, किसी तरां की भी हो सकती है। तो उहदे नूं लभना, उस मंग दे बारे पता करना ते उहदे विरोध विच खलो जाना एक गुरमत दसदी है। तां ही तां महाराज ने आख्या है बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे। ये है खोजना, पर खोजन दा समा किहदे कोल है? कई कहणगे बड़ी कथा सुनी है, बड़ियां किताबां पढ़ियां हन, पर वह मंग ते नहीं ना पढ़ी। फिर जिहड़ी मंग मन मंदा है वह मंग पता करो की है, वह छावां किहड़ियां ने। जे वह मंग पूरी हुंदी है तो उहदा सानूं लाभ की है? तो जे लाभ है तो कितनी देर तक चलेगा? जे ज़्यादा देर तक नहीं चलना तो फिर वह मंग नूं उठाउण दा फायदा ही की? उहदे बारे भज नठ करन दा फायदा ही की? इस करके यह है मन दे नाल झगड़ा। जदों झगड़ा शुरू हो गया तो मन ने सचेत हो जाना भी बंदा जाग गया है। इस करके जिहड़ी जीव आत्मा है उहदे तक पहुँच होनी शुरू हो जाती है, मन तो अगे आत्मा है। सो इस करके मन नूं बड़े प्यार नाल भी समझाउणा ते इहदे झगड़े विच खलोणा ये पहला स्टैप तुहानूं करना ही पैणा है। जे मन नहीं मानदा इहदे उल्ट चलो। मन कहिंदा है कि अमृत वेले 4 बजे तक सौना है, 6 बजे तक सौना है, इहदे उल्ट खलो जाओ, झगड़ा करो इहदे नाल भी नहीं, 2 बजे उठावांगे तैनूं। मन कहिंदा है फलानी चीज़ खानी है तो उल्ट हो जाओ इहदे भी नहीं खानी। ये कुछ नुकते हैं नाम व्यासियां वास्ते, जे ते मन नूं टिकाउणा है ते जे सारे फरने में पूरे करने हैं, मन मर्जियां करनियां हैं, तो फिर मन नूं टिकाउण वाले विषय बारे गल करना भी ठीक नहीं।